एस्ट्रोनेट से पावर प्ले में 3 ओवर कराना स्मार्ट मूव था जी नहीं, मेरे हिसाब से ठीक मूव था, बट क्योंकि उनको विकेट मिल गया उसलिए वो अच्छा हो गया, बट आइडियली वो पावर प्ले में 3 ओवर नहीं डालते हैं। MI मैच हार गई, लेकिन हार्दिक की गेंदबाजी भारत के लिए खुशखबरी। जी हाँ, मुझे लगा कि अच्छे स्पीड में गेंद कर रहे थे, 2 विकेटें भी चटकाए, इकोनॉमिकल भी थे, और ये थोड़ा सा इंडिया के लिए मुझे लगता है बेहतर संकेत है। मयंक यादव को वापसी कराने में LSG ने जल्दबाजी कर दी। जी नहीं, मुझे लगता है कि वो जो मेडिकल टीम है उन्होंने बिल्कुल समय लिया होगा और असेस किया होगा, शायद वो हो सकता है कि वो इंजरी वापस से जोर लगाने से फिर से रीअकर हो गई होगी। राहुल की बल्लेबाजी पर T20 वर्ल्ड कप में ना चुने जाने का असर दिखा। जी नहीं, मुझे लगता है कि ये स्कोर थोड़ा कम था, ये पिच उतनी आसान नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, और वो जानते थे कि एक बल्लेबाज अगर 50-60 रन बना लेता है तो उनके जीत के आसार इजी हो जाएंगे। मैचअप के चक्कर में कृणाल से गेंदबाजी नहीं कराना खराब फैसला। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर के सामने करा सकते हैं, ऐसी ये कोई छोटा ग्राउंड नहीं है, तो शायद ये गलत फैसला था। LSG के खिलाफ हार ने MI के लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ से आगे प्लेऑफ में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा।